सो हे गाइस, सो आज की वीडियो में आपको कुछ इस तरह की कलर ग्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। आप यहाँ से स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे पहले हमारी जो वीडियो क्वालिटी कितनी ज़्यादा वीक थी, कितनी ज़्यादा डल थी। इसको हमने एडिट करके कुछ इस तरीके से इसकी क्वालिटी को काफ़ी हद तक बेटर कर दिया है। और आपको भी पता है कि यार यूट्यूब पर वायरल होने के लिए हमारी जो वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। सो आज आपको यही बताने वाला हूँ। सो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी VPN कनेक्ट कर लेना, और इसको कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है कैपकट एप्लीकेशन में, क्योंकि हम जो एडिटिंग करेंगे वो कैपकट में ही करेंगे। सो इसलिए हम अपना कैपकट एप्लीकेशन उसको ओपन कर लेंगे, और जो स्क्रीन आप इसको फ़ोन को रोटेट कर लेना फुल स्क्रीन पर करके, तब आपको अच्छे से दिखेगा। सो यहाँ से हम अपना कैपकट एप्लीकेशन उसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर हमको टैप करना है, फिर यहाँ से वो वीडियो हमको सेलेक्ट कर लेनी है जिसको हमको एडिट करना है। सो यहाँ से वीडियो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हम ऐड कर लेंगे। और इसको ऐड करने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह की हमारी क्वालिटी है। सो काफ़ी ज़्यादा डल क्वालिटी, बिल्कुल लो ग्राफिक्स में है। मैं लो डिवाइस में आप खेलता हूँ वो आपको पता ही है, और बिल्कुल लो ग्राफिक्स का ये रिकॉर्डिंग है। सो इसको एडिट करके हम बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी को बेटर करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इस वीडियो वाले लेयर पर हमको टैप करना है, देन इधर राइट साइड में स्लाइड करते हुए आना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट वाला, तो इस बटन पर आपको टैप करना है, और जो जो मैं अभी करूँगा ना सेम आपको वही कर लेना। आप एक कॉपी में नोट कर लेना तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले आप ब्राइटनेस पर आ जाना। ब्राइटनेस को आपको क्या करना है, यहाँ से इंक्रीज करना है 30% तक। तो इसको ब्राइटनेस को हम यहाँ से 30 रखेंगे। तो जो मैं कर रहा हूँ सेम आप कर लेना, आप नोट कर लीजिए जिससे आपको याद रहे। सो इसको हम 30 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम टैप करेंगे इसके कॉन्ट्रास्ट वाले बटन पर। सो यहाँ से इसके कॉन्ट्रास्ट पर हम टैप करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी यहाँ से हम 30 रख लेंगे। सो इसको हम 30 कर लेंगे। 30 करने के बाद अभी क्या करना है कि यहाँ से हमको टैप करना है इसकी सैचुरेशन पर। सैचुरेशन को भी यहाँ से हमको 30 रख लेना है। तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन तीनों को यहाँ से हमको 30 करना है। सो इसको हम यहाँ से 30 कर लेते हैं। सो इसको हमने यहाँ से 30 कर लिया। देन अभी यहाँ से इसके एक्सपोजर पर हमको आना है। सो इसको हम 30 कर लेंगे, देन एक्सपोजर पर यहाँ से टैप करेंगे। एक्सपोजर को आपको यहाँ से क्या करना है, इसको ज़्यादा नहीं रखना है, इसको आपको ओनली 5 रखना है। सो इसको ओनली हम यहाँ से 5 कर लेंगे। सो चलिए इसको हम यहाँ से 5 रख लेते हैं। देन इसकी शार्पन पर हमको टैप करना है। शार्पन को यहाँ से हमको इंक्रीज कर लेना है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम 60 रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम टैप करेंगे HSL पर। HSL पर जाने के बाद हमको क्या करना है, सब कलर को हमको रहने देना, बस ग्रीन कलर पर टैप करना है, इसकी सैचुरेशन को फुल कर देना है। और जो इसका ह्यू है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, आपको जिस तरह का कलर अपनी वीडियो में चाहिए। सो मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली देख लेता हूँ, कुछ भी मैं इसको 100 रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ये आपके ऊपर मैटर करता है। तो सो आप देख लेना आप कितना रखना चाहे। तो मैं बताऊँ मेरे अकॉर्डिंग आप इसको 0 ही रह लेना, मत छेड़ना बिल्कुल भी। उसके बाद ब्लू बटन पर टैप करके इसको हम 50 कर लेना, और जो सेकंड वाला ब्लू है ना उसको भी हम 50 रख लेंगे। देन अभी जो लास्ट वाले दोनों कलर्स हैं इनकी सैचुरेशन को हमको बिल्कुल माइनस कर देना है। देन इतना करने के बाद इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन जो ये वाला बटन ऊपर की साइड में, इस पर हमको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमको आना हाईलाइट्स पर। हाईलाइट्स को आपको इंक्रीज कर लेना है, लगभग 15% के आसपास इसको रख लेना है। तो हाईलाइट्स को हम 15 रख लेंगे। उसके बाद शेडो को बिल्कुल माइनस कर देना आपको, -50 जितना हो सके उतना इसको माइनस कर देंगे। देन थोड़ा सा राइट साइड में हम यहाँ से आएंगे, यहाँ से हम टैप करेंगे इसके बिगनेट पर, और बिगनेट को आपको प्लस में रखना है 5। देन इतना करते ही अभी जो हमारी वीडियो एडिटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। सो अभी मैं आपको ऐसे राइट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ, और अभी प्ले करके आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो जो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। सो इसी तरह से आप भी अपनी वीडियो को एडिट करके काफ़ी अच्छी खासी ये वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बेटर कर सकते हो। और अभी मैं आपको ये और बता देता हूँ इस वीडियो को आपको सेव कैसे करना है। सो ऊपर की साइड में आपको जो 720p वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर आपको टैप करना है, क्योंकि आप सेव करने में गलती कर दोगे आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी लो हो जाएगी। 720p टैप करके इसको हम 1080p कर लेंगे, और जो फ्रेम रेट है उसको हम 60 कर लेंगे। देन सेव वाले बटन पर टैप कर देंगे। सो हमारा एक्सपोर्टिंग वो स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगे यार कॉमेंट में बता देना, अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब भी कर लेना। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।